अरे कैपकट की ऐप आप ओपन कर लें। आज हम कैपकट में वीडियो एडिट करना सीखेंगे, तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। जब हमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो हम अपनी गैलरी में पहुंच गए हैं। यहाँ से हमने एक क्लिप जो है वो सेलेक्ट करना है फोटोज़ में से। तो हम अपने वीडियो के बजाय फ़ोटो वाले सेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ से मैंने ये एक क्लिप जो है फ़ोटो का सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको ऐड पे क्लिक करते हैं और इस तरह ये कैपकट में चला जाएगा। अब हमने इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करना है और इस बार को इस तरह इसकी ड्यूरेशन जो है वो हमने ज़्यादा कर लेनी है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम एनिमेशन पे चले जाते हैं ताकि हमारी तस्वीर जो है उसमें कुछ मूवमेंट आ सके। तो एनिमेशन में से ये मैंने फैड वाला जो है इसको सेलेक्ट किया है और उसका जो इफ़ेक्ट है उसको मैंने पिक्चर के साथ एडिट कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर वीडियो का इफ़ेक्ट दे रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा स्टार्स हैं, ग्लिच है, लाइट इफेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। तो हम इसके ऊपर बटरफ्लाइज का इफ़ेक्ट देंगे। तो चलिए हम बटरफ्लाइज वाली जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें, मैंने सेलेक्ट की बटरफ्लाइज वाली ऑप्शन और ये हमारे सामने फ़िलहाल चार ऑप्शन ओपन हो रही हैं। तो मुझे ज़्यादा ये जो वाइट कलर की बटरफ्लाइज़ हैं, पहले मैंने ये मल्टी कलर की सिलेक्ट की हैं लेकिन मेरे ख्याल से वाइट कलर में ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, तो हम वाइट कलर वाली जो बटरफ्लाइज़ हैं इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। और टिक जो सामने आपको नज़र आ रहा है सर्च बार के साथ इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। और इसके अलावा ये एडजस्ट की ऑप्शन दे रहे हैं, तो एडजस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप एनिमेशन जो है उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसका एटमॉस्फेयर भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखें, बटरफ्लाइज़ के इफ़ेक्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जितनी हमारी पिक्चर या वीडियो है उसके मुताबिक इसको आगे तक ले जाते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इसकी एंडिंग जो है वो डिलीट करनी है। अक्सर एडिटिंग में डिलीट एंडिंग पे जो आप ऑप्शन होती है वो लोग नहीं करते, तो हमने इसकी एंडिंग भी डिलीट कर ली है। अब हम इसको थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त पिक्चर जो है वो वीडियो के साथ एनिमेशन के साथ क्रिएट हो गई है। उम्मीद है आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो अब हम इस साउंड भी साथ सेट कर लेते हैं। मैंने पहले साउंड पे क्लिक किया तो कैपकट की अपनी ऑप्शंस हैं जहाँ से आप इसकी लाइब्रेरी से भी साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये पॉप है, ये लव और ये ट्रैवल, जो व्लॉग्स की आपने सेट करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इसकी ये साउंड्स नहीं चाहिए, हम इसको फ़िलहाल एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। जब हम YouTube की लाइब्रेरी में जाएंगे, जब भी शॉर्ट अपलोड करेंगे तो वहाँ से हम इसकी साउंड सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें कॉपीराइट का भी कोई इशू ना हो। तो चलिए अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और ये वीडियो हमारी गैलरी में जाके कैसे दिखती है वो देखते हैं। अभी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। तो मैंने अपने YouTube का चैनल बनाने के बाद जो जो एडिटिंग सीखी तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ और आपको भी यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो न्यू यूट्यूबर हैं, कैपकट बहुत अच्छी ऐप है जिसके अंदर आप अपने चैनल की एडिट्स बना सकते हैं। अब ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई थी और मैंने गैलरी में से ये प्ले की तो ये आप देखें कि इस तरह इसका इफ़ेक्ट और इसकी सारी जो क्रिएशन है वो नज़र आ रही है। चलिए अब हम प्लस के बटन पर क्लिक करते हैं। जो मेरा चैनल है उस पर मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ और आप भी साथ साथ वीडियो में देखते जाइएगा। अपलोड के बाद ये YouTube की जो अपलोडिंग वाला एरिया है वहाँ पे ये अपलोड के बार में नज़र आ रही है।
अगर आप यहाँ से इसको ट्रिम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब YouTube ने इतने ज़बरदस्त से बटन्स नीचे हमें दे दिए हैं, जिसमें साउंड्स हैं, जिसमें टेक्स्ट है, जिसमें वॉइस ओवर का भी है, तो हम सबसे पहले इसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको बताया था कि कैपकट की वीडियो पे उर्दू टेक्स्ट आप कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे ये वाला काम अब हम करेंगे। तो आप उर्दू में इसके ऊपर जो भी सेंटेंस लिखना चाहें, वर्डिंग लिखना चाहें, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कोई उर्दू कोट्स लिखना चाहें, तो यहाँ पे आसानी से आप लिख सकते हैं। मैंने जैसा कि इसका थीम रखा था गुड मॉर्निंग कोट्स के तौर पे, तो मैं इसके ऊपर सुबह का मैसेज लिख रही हूँ। और ये देखिए आपको लाइन में कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, पिंक है, स्किन कलर है, ब्राउन है, तो आप अपने फाउंट का या अपनी राइटिंग का कलर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने तो पिंक कलर सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि आपकी बैकग्राउंड में फ्लावर है उनके थीम के मुताबिक है। और इसके बाद जब हम टेक्स्ट लिख चुकेंगे, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये आपको लेफ़्ट साइड पे वाइट कलर का बटन नज़र आ रहा होगा। जब हम टेक्स्ट कंप्लीट कर चुकेंगे तो हमने कीबोर्ड को ऑफ करना है, और इसके बाद टेक्स्ट जो है उसको सेलेक्ट करके हमने इसका साइज़ कम कर लेना है, क्योंकि जब साइज़ बड़ा होगा तो 9x6 के साइज़ में ये जब शॉट अपलोड होगी तो टेक्स्ट जो है वो फ्रेम से बाहर निकल जाएगा। और मैंने शुरू में आपको बताया नहीं कि कैपकट में ये जो शॉट हम बना रहे थे इसकी रेशियो जो थी हमने 9x16 रखी। और अभी हम टेक्स्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी हम इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। ऊपर ये देखिए मैंने कलर चेंज किए हैं, ब्लू कलर आ गया इसमें। यानी जो भी आप चाहें इस पर उर्दू लिख के यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए वाइट बटन जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, इससे आप इसका टेक्स्ट का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये यूट्यूब की बहुत अच्छी ऑप्शन है, 50% एडिटिंग आपकी यहाँ पर भी हो सकती है। अब ये हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है और अब मैं इसको प्ले करके देख रही हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त आ गया, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम है, तो हम इसे दोबारा एडिट करते हैं। जब आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो एडिट और टाइमिंग की ऑप्शन आ गई। दोबारा हम एडिट करके इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं। तो अब जो हमने साइज़ सेलेक्ट किया है, बिल्कुल हमने 0 के करीब हम लेके गए हैं। अब ये फ्रेम के अंदर है हमारा टेक्स्ट, और बहुत खूबसूरत शार्ट क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ यूट्यूब के म्यूज़िक लाइब्रेरी में, जहाँ पे मैंने अब इंग्लिश में कर लिया है अपना कीबोर्ड, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मॉर्निंग रिलैक्सिंग म्यूज़िक। तो जब आप ये लिखेंगे या आप कोई भी म्यूज़िक सर्च करेंगे, चाहे इस्लामिक है चाहे नाथ्स हैं, तो आपको वो मिल जाएगा यहाँ से। अब मैंने यहाँ से एक म्यूज़िक सेलेक्ट किया है ब्यूटीफुल रिलैक्सिंग मॉर्निंग का, और उसको मैं एरो के निशान से क्लिक करूँगी तो वो हमारी वीडियो के अंदर ऐड हो जाएगा। आप भी यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, इसमें से जो आपको पसंद आए, जो आपकी वीडियो से कम्प्लीमेंट करता हो, आप उस म्यूज़िक को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब मैंने म्यूज़िक भी सेलेक्ट कर लिया था। ये एडजस्ट के बटन पे आपको थोड़ा सा स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, जो म्यूज़िक जो है वो चल रहा था। यहाँ पर एडजस्ट के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये म्यूज़िक का बार चल रहा है। इसमें से आपने जितना म्यूज़िक रखना है या जहाँ से आपको लगता है कि थोड़ा सा वीडियो के मुताबिक सेट नहीं आ रहा, तो उसे आप स्क्रॉल करके सेट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम डन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो उससे हमारा म्यूज़िक जो है वो सेट हो गया है। तो ये वॉल्यूम वाला बटन मैंने प्रेस किया, इसमें हमने जो मॉर्निंग रिलैक्सिंग म्यूज़िक का बटन था उससे हमने इसका वॉल्यूम हाई या लो कर लिया है। अगर आप खुद वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो उसका बटन भी अब इसमें यूट्यूब ने शामिल कर दिया है। और आखिरी जो इसका है वॉल्यूम के बाद बटन टाइम लाइन का है, तो जब हम टाइम लाइन पर क्लिक करेंगे, ये देखें हमने इस टेक्स्ट का कितना टाइम रखना है कि ये हमारी वीडियो के कितने एरिया तक प्ले हो, तो आपने इसको स्क्रॉल करके लेफ़्ट राइट पे ये देखें तो आप इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको फुल लेंथ रहने दिया है ताकि
मुकम्मल वीडियो पे ये टेक्स्ट शो हो। तो आज की इस वीडियो में देखा आपने कि किस तरह YouTube शार्ट पे हमने उर्दू टेक्स्ट किया, और अब मैं अपलोड की ऑप्शन जहाँ पे हमने वीडियो का टाइटल लिखना होता है, जहाँ से हमने थंबनेल सेलेक्ट करना होता है, ये मैंने थंबनेल सेलेक्ट किया है और प्रोसेसिंग के बाद ये मेरा थंबनेल जो है वो शो हो रहा है। आपने ये लाजमी करना है ताकि आपका थंबनेल जो है वो व्यूअर्स को नज़र आए और अट्रैक्टिव सा होना चाहिए। अब यहाँ पे टाइटल मैं लिख लेती हूँ इसका, सुबह बखैर। आपकी जो चार्ट बनी हुई है जो आप अपलोड करने जा रहे हैं, आप उसके मुताबिक अपना टाइटल पहले नोट पैड पर लिख लीजिएगा। मैं तो डायरेक्ट ही अभी सिखाने के लिए आपको वीडियो में लिख रही हूँ, और जो जो इसके टैग्स हैं डिस्क्रिप्शन में वो लिख लें आप। इसके अलावा हैश टैग जो हैं वो भी आप ऐड कर लें, और जो इसकी कैटेगरी है वो भी आप सेलेक्ट कर लें। तो जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो आपने अपलोड चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त चार्ट। जिन व्यूअर्स को उर्दू टेक्स्ट लिखने का मसला पेश आता था कैप कट में, या अपनी शार्ट्स पे वो खूबसूरत सी उर्दू हैंड राइटिंग के साथ लिखना चाहते थे, चंद मिनटों में बन गई है और अपलोड भी हो गई है। और इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा ये डिटेल बताऊंगी। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आपने इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्तन फवक्तन मिलती रहें। ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, हमेशा आप सब हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।